अस्सलाम वालेकुम वीवर, बानो चैनल में आपको खुशामदीद करते हैं और उम्मीद करते हैं कि आप लोग सब खैरियत से होंगे, मेरी वीडियो को देख भी रहे होंगे और ट्राई भी कर रहे होंगे। वीवर्स, आज हम बनाने जा रहे हैं नरगिसी कोफ्ते, जो नहायत ही आसान और मज़ेदार होते हैं। तो चलते हैं हम इसकी तैयारी की तरफ। बीफ का आधा किलो मशीन का पिसा हुआ यह बारीक कीमा लिया है मैंने। इसमें मैं हाफ टीस्पून गरम मसाला शामिल कर रही हूँ, 1.5 टीस्पून ये जो है कुटी हुई लाल मिर्च है, 1 अदद छोटी दरमियानी छोटी जो प्याज होती है वो स्लाइस में काट लिए हैं, वो शामिल करेंगे। बेसन जो है वो मैंने 6 टेबल स्पून लिया है, ये भून लिया है, वो भुना हुआ बेसन इसमें शामिल करेंगे। हरा धनिया जो है वो मैंने 1 हैंडफुल लिया है, वो इसमें शामिल करेंगे। 6 अदद हरी मिर्च को काट लिया है, वो भी इसमें शामिल होगी। अदरक लहसुन का पेस्ट तकरीबन 2 टीस्पून वो शामिल होगा इसमें। नमक 1 टीस्पून, खशखाश का पाउडर इसको बारीक थोड़ा कर लिया है, ये 1.5 टीस्पून है। तमाम अज़ा को मैंने कीमे में शामिल कर दिया है। अब इन तमाम अज़ा को मिक्स करके हम ब्लेंडर में इसको ब्लेंड कर लेंगे। वीवर्स, जो हमने कीमे में तमाम अज़ा शामिल करके पीस लिए थे, ये देखें कि ये बिल्कुल बारीक पीस लिया है। अब हम इसके कोफ्ते बनाना शुरू करते हैं। वीवर्स, ये थोड़ा सा मैंने तेल लिया है ताकि हाथ को थोड़ा चिकना कर लें, इस तरीके से चिकना करके हाथ को, और हम गोले बनाएंगे। कुछ गोलों में हम अंडे को फिल करेंगे नरगिसी कबाब की तरह, कोफ्ते को जैसे नरगिसी कोफ्ते बनते हैं, तो कुछ में हम अंडे को शामिल करेंगे। ये मैंने इस तरीके से बना के और इसके अंदर हम इसको अंडे को फिल कर रहे हैं, ये हमारे नरगिसी कोफ्ते हो रहे हैं। इस तरीके से बिल्कुल इसको हम बंद कर देंगे। ये व्यूअर्स देखें, एक मैंने इस तरीके से तैयार कर लिया है। अब हम बाकी कोफ्ते भी बनाते हैं। व्यूअर्स, ये हमने सबके कबाब बना लिए, कोफ्ते बना लिए हैं। आप ये देखें कि ये मैंने 2 जो है नरगिसी कोफ्ते बनाए हैं और बाकी मैंने सादे कोफ्ते बनाए। मैंने दोनों तरह के कोफ्ते बनाकर आपको दिखाए हैं। तो अब हम चलते हैं इसके अगले प्रोसेस की तरफ। वीवर्स, ये हमने 2 अदद मसाले के लिए 2 अदद दरमियानी प्याज का पेस्ट बना लिया है और इसके अंदर में ये जो है 2 टेबल स्पून लाल पीसी मिर्च है वो शामिल कर रहे हैं, और 2.5 जो है टेबल स्पून धनिया पाउडर है, 1 टेबल स्पून बल्कि मैंने नमक लिया है, और 1/4 जो है ये मैंने जो है हल्दी का पाउडर लिया है, वो भी इसमें शामिल कर देते हैं। अब हम चलते हैं इसकी मसाले की तैयारी की तरफ। वीवर, से तेल गरम हो गया है और मैंने 1/2 कप तेल डाला है, ये गरम हो गया। अब इसमें जो प्याज में मसाला मिक्स किया था प्याज शामिल करेंगे। मसाले को हल्का हल्का हम भूनेंगे धीमी आंच पे तकरीबन 5 मिनट तक। वीवर्स, ये मैंने 4 अदद टमाटर का पेस्ट प्लेट बना लिया है, वो अब हम इसमें शामिल करेंगे। और इसको शामिल करके इसमें अच्छे से मिक्स करेंगे और चम्मच चलाते जाएंगे। उसको तकरीबन 5 मिनट हम इसी तरीके से रखेंगे ताकि ये टमाटर अच्छे से मसाले में मिक्स हो जाए। ये लाल कश्मीरी मिर्च मैंने 1 टीस्पून लिया है, वो इसमें शामिल कर रही हूँ। ये सिर्फ सालन का कलर अच्छा होने के लिए डाली जाती है, ज़रूरी नहीं कि आप डालें, ऑप्शनल है, आप डाल सकती हैं और ना भी डालें। अब हम इसका ढक्कन ढक के इसको 5 मिनट के लिए
दरमियानी आंच पे छोड़ देंगे। बस मसाला बिल्कुल तैयार है। अब इसमें मैं हाफ कप दही जो है वो मैंने बीट कर लिया है वो शामिल करूंगी इसके अंदर। दही शामिल करके अब मैं इसको फिर इसी तरीके से तकरीबन 5 मिनट के लिए मैं रख दूंगी। ये बहुत आसान है और बहुत ही इजीली बन जाती है और बहुत ही टेस्टी होता है। आप इसको देखें कितनी आसानी से मैं बना रही हूँ इसको। व्यूअर्स मसाला बिल्कुल तैयार हो गया है और बहुत ही अच्छी इसकी खुशबू आ रही है। अब हम इसमें कोफ्ते डालेंगे। ये मैंने कोफ्ते डाल दिए पैन में और इसके ऊपर मैं अब ये भुना हुआ जीरा जो है मैंने पीस के रखा था वो मैं तकरीबन 1/2 टीस्पून है वो इसके ऊपर शामिल कर रही हूँ और इसको ढक्कन ढक देंगे और इसको चम्मच नहीं चलाएंगे बल्कि अभी इसको ढक्कन ढक के रख देंगे 5 मिनट तक। उसके बाद हम इसको खाली पैन हिलाकर और इसको हिलाएंगे ताकि ये उलट पलट हो जाए। व्यूअर्स आज की डिश हमारी तैयार हो गई है। ये देखिए ये नरगिसी कोफ्ते हमारे तैयार हैं बिल्कुल और बहुत अच्छे से ये गल गए हैं। अब आपको हम ये डिश आउट करके दिखाते हैं। व्यूअर्स आज की हमारी डिश तैयार है नरगिसी कोफ्ते जो नहायत ही मज़ेदार होती है और नहायत ही आसान होती है। व्यूअर्स इसको दाव बना के आप एक स्पेशल डिश के तौर पे दावतों में भी पेश कर सकते हैं। इसको नान चपाती और पुलाव के साथ भी पेश किया जा सकता है तो आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। नहायत ही मज़ेदार बनी है और बहुत आसान है और इसको आप ज़रूर देखें और ट्राई करें और मुझे अपनी राय से आगाह करें। मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। इंस्टा फेसबुक पर भी फॉलो कीजिएगा। व्यूअर्स अपनी दुआओं में याद रखिएगा और आपसे नेक्स्ट वीडियो पे मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज।